हम बात कर रहे थे कि प्रोडक्ट्स बुनियादी तौर पे दो तरह की होती हैं, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। यानी कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में वो तमाम प्रोडक्ट्स यानी वो तमाम गुड्स एंड सर्विसेज शामिल होंगी जो कि हाउस होल्ड्स, जो कि इंडिविजुअल्स परचेज करते हैं अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए, और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में वो तमाम प्रोडक्ट्स शामिल होंगी जो कि बिजनेसेस बाय करते हैं ताकि वो उनको बिजनेस पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकें। और बिजनेस पर्पस से मेरी यहाँ मुराद ये है कि वो हर तरह का पर्पस, चाहे ऑर्गेनाइजेशंस में यूज़ हो रहा हो या उनको फर्दर गुड्स एंड सर्विसेज बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा हो। हम इन दोनों के बारे में अब तफसील से गुफ्तगू करेंगे। तो देखिए, जो पहली हमारे पास टाइप है कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज जिनको पर्सनल कंजम्पशन के लिए बाय किया जाता है। हमारी अगर हम आम तौर पे, अगर मैं आपसे कहूँ कि वो एडवर्टीजमेंट्स जो आप टेलीविज़न पे देखते हैं या जिनको आप अखबार में देखते हैं या आप इंटरनेट पे जिनको मुलाहिज़ा करते हैं, उनमें से ज़्यादातर जो एडवर्टीजमेंट्स होती हैं उनका ताल्लुक कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के साथ होता है। उसकी रीज़न ये है कि मास मीडिया का आम तौर पर इस्तेमाल कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग के लिए ही किया जाता है। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और हम ये देखते हैं कि जो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स होती हैं वो कितनी किस्म की होती हैं। जब आप इन टाइप्स को पढ़ लेंगे तो आप बहुत एम्पावर्ड महसूस करेंगे, एम्पावर्ड इस हवाले से महसूस करेंगे कि आप देखेंगे कि वो बहुत सारी प्रोडक्ट्स जो आप अपनी ज़िंदगी में ख़रीदते हैं या लोगों को ख़रीदते हुए देखते हैं उनको किस तरह से कैटेगराइज किया जा सकता है। तो चार तरह की अजीज़ा ने मन कंज्यूमर प्रोडक्ट्स होती हैं हमारे पास, कन्वीनियंस प्रोडक्ट्स, शॉपिंग प्रोडक्ट्स, स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स और अनसॉर्ट प्रोडक्ट्स। आइए अब इनको हम टर्न बाय टर्न समझने की कोशिश करते हैं। पहली हमारे पास हैं कन्वीनियंस गुड्स या कन्वीनियंस प्रोडक्ट्स। ये वो प्रोडक्ट्स होती हैं या वो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स होती हैं जिनको बहुत फ्रीक्वेंटली बाय किया जाता है, बहुत फ्रीक्वेंटली बाय किया जाता है, और आप समझें कि रोज़ाना की बुनियाद पर शायद ये बाय किया जाता है और इनको मिनिमम परचेज एफर्ट के साथ बाय किया जाता है। जिस तरह न्यूज़पेपर है, कैंडीज़ हैं, फास्ट फूड है, चाय है, साबुन है, टूथपेस्ट है, ये सारी हमारी कन्वीनियंस प्रोडक्ट्स कहलाती हैं। इनको कन्वीनियंस प्रोडक्ट इसलिए कहा जाता है कि इनको बहुत कन्वीनियंटली ख़रीद दिया जाता है। इनको ख़रीदते वक्त कंज्यूमर ना तो बहुत ज़्यादा एफर्ट करता है ना उनको बहुत ज़्यादा आप कह लें कि डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ता है। और आम तौर पे ये जो प्रोडक्ट्स होती हैं ये आपको आपके घरों से बिल्कुल करीब से ही मिल जाती हैं। चाय की पत्ती है, टूथपेस्ट है, साबुन है, शू पॉलिश है, ये वो सारी बिस्किट्स हैं, ये सारी प्रोडक्ट्स हैं जिनको हम कन्वीनियंस गुड्स का नाम देते हैं। अच्छा, इसके बाद दूसरी जो हैं वो हमारे पास शॉपिंग प्रोडक्ट्स कहलाती हैं। देखिए, शॉपिंग प्रोडक्ट्स वो होती हैं, ऐसी कंज्यूमर प्रोडक्ट्स होती हैं जिनको रिलेटिवली लेस फ्रिक्वेंटली बाय किया जाता है, और इनको बाय करते वक्त कंज्यूमर केयरफुली अपना डिसीजन करता है। यानी इनको उस तरह से उतना फ्रीक्वेंटली बाय नहीं करते। मैं अगर आपसे कहूँ कि जो शू हैं या जो शर्ट्स हैं, क्या आप वो उतना फ्रीक्वेंटली बाय करते हैं जितना फ्रीक्वेंटली आप सोप बाय करते हैं या आप कुकिंग ऑयल बाय करते हैं या आप शू पॉलिश बाय करते हैं या आप बिस्किट्स बाय करते हैं? तो आप कहेंगे कि नहीं, ऐसा तो नहीं है। और जब आप शूज़ परचेस करते हैं या शर्ट्स परचेस करते हैं तो आप आम तौर पे जो आप उसके लिए प्रॉपर प्लान करते हैं, आप उसके लिए कंसिडरेबल एफर्ट करते हैं। तो शॉपिंग गुड्स आम तौर पे वो गुड्स होती हैं जो कि लेस फ्रीक्वेंटली बाय की जाती हैं, लेकिन दीज आर बॉट विद अ बेटर विद मोर परचेज एफर्ट। और इसको बाय करते वक्त कंज्यूमर जो है वो ब्रांड कंपैरिजंस भी करते हैं। इसकी मिसाल में फर्नीचर है, किसी हद तक कार्स इसमें आ सकता है, लेकिन कार्स को हम मोर अप्रोप्रिएटली लेकर जाएंगे नेक्स्ट कैटेगरी में। इसमें अप्लाइंसेज यानी जो आपकी होम अप्लाइंसेज हैं उनकी कुछ कैटेगरीज इसके अंदर आती हैं, हम इसको जो इस्तेमाल करेंगे और तफसील से भी हम इसके ऊपर बात करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो कैटेगरी है वो स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स कहलाती हैं। जो स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स होती हैं रिजाने मन, ये ऐसी कंज्यूमर प्रोडक्ट्स होती हैं विच आर लीस्ट फ्रीक्वेंटली बॉट एंड बॉट विद एटमोस्ट केयर एंड प्लानिंग। ये वो प्रोडक्ट्स होती हैं जिनको शायद सालों बाद परचेज किया जाता है, और
और इसमें कुछ तो ऐसी होती हैं जिनको कोई कंज्यूमर शायद अपनी लाइफ टाइम में एक दफ़ा ही बाय करता है, और इनको बाय करते वक्त बहुत ज़्यादा आप कहें कि प्लानिंग भी की जाती है और बहुत ज़्यादा एफर्ट भी कंज्यूमर करता है। उसकी रीज़न बड़ी ऑब्वियस है कि इनको बाय करते वक्त आप बहुत ज़्यादा रिस्क ले रहे होते हैं, मतलब इनमें बहुत हद तक डिज़ाइनर्स क्लोथ हैं, आपके हाई एंड इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, आपकी परचेज़ ऑफ अ न्यू कार है, आप उसको हम इस कैटेगरी में लाएंगे, आपकी परचेज़ ऑफ अ हाउस है, परचेज़ ऑफ अ प्लॉट है, ये सारी जो चीज़ें हैं इनको हम स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स कहते हैं। और एक बात आपने ये याद रखनी है कि जो स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स होती हैं, यानी अगर आप जब हम कंपैरिजन करेंगे इन सारों का तो मैं आपको और तफसील से बताऊंगा, लेकिन एक बात आप समझते चलिए कि कन्वीनियंस प्रोडक्ट्स की प्राइसेस शायद रुपयों में होती हैं एक यूनिट की, लेकिन जो और मैक्सिमम शायद 100 रुपयों में हों, जो आपकी शॉपिंग प्रोडक्ट्स हैं उनकी प्राइसेस हंड्रेड्स ऑफ रुपीज़ से शुरू होती हैं और थाउजेंड्स तक जाती हैं, लेकिन जो आपकी स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स होती हैं उनकी प्राइसेस थाउजेंड्स ऑफ रुपीज़ से शुरू होती हैं और मिलियंस ऑफ रुपीज़ तक चली जाती हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास अनसॉट प्रोडक्ट्स हैं। इनको अनसॉट इसलिए कहा जाता है इन प्रोडक्ट्स को कि इनके बारे में कंज्यूमर उस तरह सर्टन नहीं होता, इनके बारे में कंज्यूमर बिहेवियर उतना सर्टन नहीं होता जिस तरह के स्पेशलिटी शॉपिंग और कन्वीनियंस गुड्स के बारे में होता है, जिस तरह के लाइफ इंश्योरेंस है, फ्यूनरल सर्विसेज हैं या ब्लड डोनेशंस हैं। ये वो प्रोडक्ट्स हैं जिनके बारे में कंज्यूमर बहुत सर्टनली बाइंग डिसीजंस नहीं करता है, इसलिए इनको अनसॉट प्रोडक्ट्स का नाम दिया जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको प्रोडक्ट की इन डिफरेंट यानी कंज्यूमर प्रोडक्ट की इन डिफरेंट काइंड्स के बारे में बुनियादी इंफॉर्मेशन मिली होगी। थैंक यू वेरी मच।